तो गाइस मिड रेंज के अंदर सैमसंग की ए सीरीज ही एकमात्र सीरीज है जिसके अंदर हमें कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले से लेकर प्रोसेसर तक काफी कमाल के देखने को मिलते हैं। और गाइस ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो सैमसंग का स्मार्टफोन सेलिंग मार्केट शेयर है उसके अंदर 32% का मार्केट शेयर करता है ए सीरीज, जिसकी वजह से काफी प्रीमियम स्मार्टफोन और काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस भी देखने को मिलते हैं। और गाइस हाल ही में एक और मैंने ए सीरीज के हाई प्रीमियम स्मार्टफोन के बारे में बताया था जो कि गैलेक्सी A73 5G के नाम से इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। तो गाइस अब इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड काफी सारे अदर फीचर्स इंडिया लॉन्च और प्राइसिंग लीक हुई है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी टेक वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो गाइस कुछ दिनों पहले इस स्मार्टफोन का रेंडर्स या फिर ऑलमोस्ट ये कहें कि डिजाइन भी लीक हुआ था जिसके अंदर आप इस स्मार्टफोन का ओवरऑल 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हो और साथ ही में जो डिजाइन और फ्रंट डिजाइन देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट ए सीरीज के A52s या फिर A72 से काफी मिलता जुलता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हम A73 5G की डिस्प्ले से शुरुआत करें जिसके अंदर आपको टिपिकल सैमसंग की सुपर एमोलेड पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन और साथ में 6.7 इंचेस का स्क्रीन साइज भी मिलने वाला है और ये डिस्प्ले आपको गेमिंग पर्पस से 120Hz के पैनल के साथ आने वाली है जिसकी वजह से आपका काफी स्मूथ और कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ में HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही में अगर इसके डिस्प्ले के बाद हम बात करें इसके कैमरा की, इसका मेन हाईलाइट ही होने वाला है इसका कैमरा सेटअप। रियर कैमरे के अंदर आपको सैमसंग की तरफ से ए सीरीज के अंदर पहली बार 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट दिया जाएगा। साथ में आपको सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और थर्ड सेंसर देखने को मिलेगा वो आपको 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो सेंसर मिलने वाला है और साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में इसके आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलेगी जो ओवरऑल कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी किलर बनाता है स्मार्टफोन को और न्यू सॉफ्टवेयर होने की वजह से आपको काफ़ी बेस्ट और प्रीमियम कैमरा क्वालिटी तो देखने को मिल ही जाएगी। साथ में सॉफ्टवेयर की बात आती है जिसके अंदर आपको UI 4.0 के साथ एंड्रॉयड 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर वाइज भी काफ़ी अपडेटेड स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आपको 4500mAh की बैटरी प्लस 25W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। और गाइज अब हम बात करें इसकी इंडिया एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च और प्राइसिंग की, तो भाई ये स्मार्टफोन आपको एंड ऑफ दिसंबर या फिर मिड जनवरी के अंदर लॉन्च होता है देख सकता है। और साथ में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 6128 वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन आपको 35,000 के अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल स्पेक्स वाइज तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है जिसे आप कंसीडर भी कर सकते हो। तो यार फ्यूचर में इस फोन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती तो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में ना ही, ओके बाय एंड टेक केयर।